सो गाइस, यदि आपको मिक्सिंग सीखनी है तो उसके लिए आपको सॉन्ग स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर भले ही आप मिक्स करते हो, या आपको सॉन्ग लिखना हो, या आपको डायरेक्ट करना हो, आपको कुछ भी सॉन्ग से रिलेटेड चीज़ करनी हो, तो आपको सॉन्ग स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सॉन्ग स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसे हम कैसे पता कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊँगा आपको क्या याद रखना है जिससे आपकी मिक्सिंग इम्प्रूव हो सकेगी। तो गाइस, यह हमारी वी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन पर है और मैंने टेक कर दिए है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी इंडस्ट्री पर आपका स्वागत है। सो गाइस, आप इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, कुछ आपको इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सॉन्ग का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर सॉन्ग के स्ट्रक्चर कभी भी सेम नहीं होते हैं। आपको डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाले हैं जो कि हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इंट्रो, वर्स, कोरस, वर्स, कोरस, ब्रिज, कोरस, आपको सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाद में कुछ इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक हिंदी सॉन्ग भी बताऊँगा और एक EDM सॉन्ग भी बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के आपको अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके पास कोई पॉप सॉन्ग है और आपके पास कोई हिंदी सॉन्ग है, तो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। आपका ब्रिज आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, कुछ इतना थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। बट EDM में आपको कुछ, जैसे कि आपको पता है, वोकल नहीं होती है मोस्टली टाइम, तो उसमें कुछ आपको अलग टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कुछ इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इंट्रो है, ब्रेक है, बिल्डअप है, ड्रॉप है, ब्रेक, बिल्डअप, ड्रॉप एंड आउट्रो, कुछ इस तरह से आपको EDM सॉन्ग का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वैसे तो आपको अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से, बट यदि आप बिगनर्स DJ हैं तो आपको मैं अभी जो जो बता रहा हूँ सिर्फ आप उतना ही कर लीजिए। और यदि आपको यहाँ भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊँगा आपको क्या याद रखना है लास्ट में, ठीक है। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप कभी भी सॉन्ग स्ट्रक्चर के बारे में डालेंगे तो कुछ आपको इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है, प्री कोरस, या आप इतनी सारी चीज़ों को ध्यान मत दीजिएगा यदि आप बिगनर्स हैं तो, ठीक है, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, बाद में आपको खुद समझ में आने लगेगा यदि आप बेसिक स्ट्रक्चर समझने लगेंगे तो। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हम यहाँ पर क्या चीज़ें स्ट्रक्चर, हम क्या चीज़ में हम क्या लिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो। तो इंट्रो में जैसे ही आपकी मेलोडी, आपका सॉन्ग स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आप उसे इंट्रो में रखते हैं। इसके अलावा कभी कभी इंट्रो नहीं होता है, डायरेक्ट वर्स से ही शुरुआत होता है। जैसे कि आपको पता होगा वोकल से स्टार्ट हो जाता है तो वह हमारा वर्स हो जाता है। तो आप वर्स में क्या चीज़ रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आपकी स्टोरी लाइन होती है वह आपके वर्स पर आती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोरस, ठीक है। आपका कोरस में क्या रखते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कुछ कुछ सॉन्ग की लाइन आपको हमेशा याद ही रहती है, आपका मेन हुक रहता है सॉन्ग का, तो आप बिल्कुल कोरस पर उसे रखते हैं। और जो हमारा सॉन्ग होता है वह बिल्कुल पीक पर होता है इस टाइप पर, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा वह हमारा कोरस होता है, ठीक है। और कोरस हमेशा आपका रिपीट होता रहता है, थोड़ी बहुत की चेंज हो सकती है बट आपका रिपीट होता है हमेशा कोरस। बट आपका जो वर्स है उसमें स्टोरी लाइन होती है तो आपका वर्स कभी भी रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपका फिर वर्स आ गया है, बट कभी कभी क्या होता है आपका जो ब्रिज है वह कोरस के बाद डायरेक्ट आ सकता है फर्स्ट के बाद, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यह हमारा वर्स वन है, ठीक है, हमारा यहाँ कोरस वन है, फिर वर्स टू है, कोरस टू है, फिर हमारा ब्रिज क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिज बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपका बैकग्राउंड म्यूजिक डिफरेंट होगा, आपके जो लिरिक्स हैं वह डिफरेंट होंगे, आपकी जो मेलोडी है वह डिफरेंट होगा। मैं आपको बाद में इसका भी एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। उसके बाद कोरस आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो आउटरो है वह आपका आ जाएगा, ठीक है, आपका खत्म होने लगेगा सॉन्ग। तो कुछ आपका बेसिक स्ट्रक्चर सॉन्ग का कुछ इस तरह से होता है। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अभी हमने जो सॉन्ग लिया है वह शायद है और वह अरिजीत सिंह का है, बहुत फेमस सॉन्ग है और मुझे लगता है आपने सुना ही होगा, और यदि नहीं सुना है तो मैं आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको। सो गाइस, हमने यह सॉन्ग लिया है और उसमें मैंने पहले से ही क्यू पॉइंट लगा दिए हैं, मैंने इंट्रो अलग कर दिया है, मैंने यहाँ पर वर्स अलग कर दिया है, कोरस अलग कर दिया है, ब्रिज अलग कर दिया है, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है, आपको इजी होगा। और इसके बाद मैं आपको लिरिक्स के द्वारा भी आपको समझाऊंगा जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हम इंट्रो प्ले करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं यह हमारी मेलोडी है जो कि आपको इंट्रो देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम वर्स शुरू देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह हमारी स्टोरी लाइन है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यदि हम इसके लिरिक्स देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं यह हमारा वर्स चल रहा है, यह हमारी स्टोरी लाइन है, आप यहाँ देखिए। इसके अलावा हमारा कोरस क्या होगा,
तो चलिए हम देखते हैं, कूपन दबाता हूँ मैं तीसरा वाला, आप देखिएगा। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था, हमारा जो सॉन्ग है बिल्कुल पीक पर है, ठीक है। और इसके अलावा यह जो सॉन्ग है, आपकी जो लाइन है, यह हमेशा आपकी आएगी। जैसे कि यह हमारा कोरस वन था, अब यदि हम कोरस टू पर जाते हैं तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी आपका सेम है, यहाँ भी आपका सेम है, मगर वर्स आपका हमेशा जो स्टोरी लाइन है वह डिफरेंस है। और वर्स यदि आप हिंदी में हैं तो आपको पता होगा अंतरा बोलते हैं, वही हमारा वर्स है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अलावा हमारा ब्रिज क्या है, तो जैसे कि मैं आपको लिरिक्स में बताऊँ तो आप यहाँ देखिए, पहले तो आपको यहाँ पर यह हमारी स्टोरी लाइन है, ठीक है, हमारा वर्स है। इसके अलावा जो हमारा जो तुमना हो वह हमारा यहाँ पर कोरस है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं ब्रिज, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ बिल्कुल आपके वर्स से डिफरेंट होगा, आपके कोरस से डिफरेंट होगा। देखिए मैं प्ले करता हूँ जो ब्रिज है, आपकी जो मेलोडी है वहाँ भी अलग है, आपकी जो लिरिक्स अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बट आपकी जो मेलोडी है बिल्कुल अलग है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बिल्कुल अलग है। आप सुनिए और ब्रिज सुनिए। तो यह ब्रिज है जो कि आपके सॉन्ग को जोड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से यह ब्रिज काम करता है। यह कोरस वन के बाद ही आ गया है, कोरस वन के टू के बाद भी आ सकता है। सॉन्ग स्ट्रक्चर कभी भी किसी का सेम नहीं होता, जितने भी सॉन्ग है, ठीक है। तो आप यहाँ मत देखिएगा कि ब्रिज यहाँ पर नहीं आया है, आपको जब आप प्ले करते रहेंगे सॉन्ग को तो आपको बाद में पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब आपको मैंने यह चीज़ दिखा दी है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ EDM सॉन्ग के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर EDM सॉन्ग का स्ट्रक्चर देखा था, किस तरह से था, इंट्रो था, फिर ब्रेक आ रहा था, फिर बिल्डअप हो रहा था, फिर ड्रॉप था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पर पूरा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ मेरे पास यह सॉन्ग है, ठीक है, हम इसे लोड कर देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले से मैंने इस पर भी क्यू पॉइंट लगा दिए हैं। आप यहाँ देखिए, अब हम चल प्ले करते हैं इंट्रो को, ठीक है। तो मैंने प्ले करता हूँ, तो ये हमारा इंट्रो है, ठीक है। यह कुछ आपके बाद तक चलेगा, मैं आपको बताऊंगा बीट और बार में क्या डिफरेंस है, आपको सब कुछ इसके बाद बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा इंट्रो चल रहा है, अब हम ब्रेक करते हैं, ठीक। तो यह हमारा ब्रेक चलने लगा इस पर, ठीक है। इसके अलावा आपको अब मैं करता हूँ बिल्डअप, ठीक है। तो आप देखिएगा, यह हमारा बिल्डअप चलने लगा है, ठीक है। अब बिल्डअप होता क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, यदि आप यह डांस म्यूजिक है, अब इससे आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि अब कुछ अच्छा आने वाला है इस सॉन्ग के बाद, कि जिसके आपकी जो ऑडियंस है वह आपका डांस कर सके। तो देखिए, अब हमारा आ रहा है ड्रॉप, ठीक है। तो यह हमारा ड्रॉप आ चुका है, तो कुछ इस तरह से यह वर्क करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेक आ जाएगा, फिर बिल्डअप आ जाएगा, फिर ड्रॉप आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो सॉन्ग का स्ट्रक्चर है वह चलता रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह हमारा इंट्रो है, कुछ 8 बार तक चलता है या 4 बार तक चलता है, ठीक है। फिर हमारा ब्रेक आ चुका है, उसके बाद हमारा बिल्डअप आता है, और उसके बाद हमारा ड्रॉप आता है। अब इस पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा ही हर सॉन्ग के साथ ऐसा नहीं होता है, कभी कभी बिल्डअप नहीं आता है, ठीक है, कभी कभी बिल्डअप छोटा आता है, मतलब बहुत सारी बात होती हैं। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैंने आपको वह आज एक्सप्लेन किया है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, यदि आपको यह सारी चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो अब हम समझने वाले हैं बार, बीट, फ्रेज में अंतर क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक बीट क्या देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, आपको मैंने इस चार्ट में बताया है, यह हमारे पास एक पूरी यह बीट, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे, यह हमारे पास पूरा एक बार है, मतलब कि आप यहाँ गिनिए बीट, आप यहाँ पर काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, मतलब कि आपके जो 4 बीट पर आपका एक बार ख़त्म होता है, मतलब कि आपका जो एक बार है वह 4 बीट का है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज क्या करनी है, ठीक है, जिससे आपकी मिक्सिंग इम्प्रूव हो सके और आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, ठीक है। तो आपको बेसिक जो सिंपल चीज़ें हैं वह आपको पहले करनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यह हमारी एक बीट है, ठीक है, यह हमारी, और हमारे पास यह 4 बीट पर आपका एक बार बनता है, ठीक है। उस वैसे ही आप यहाँ गिनेंगे, आपका मतलब यहाँ पर यह एक बार है, यह दूसरा बार, यह तीसरा बार और चौथा बार, मतलब कि आपका यह 4 बार का आपका एक बनता है फ्रेज, ठीक है। और यदि आपको बीट पर देखना है तो मतलब 16 बीट का आपको बनता है फ्रेज। तो कुछ आपके इस टाइप के आपको फ्रेज करके आपको काउंट करना है, 16 बीट या
32 बीट, मतलब कि 8 बार या 4 बार, ठीक है। आपको इस तरह के मतलब कि एक फ्रेज या दो फ्रेज जब भी आप मिक्सिंग करें तो इन सारे स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज क्या करनी है जिससे आपकी जो मिक्सिंग है वह इम्प्रूव हो सके। तो चलिए हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पर हमारे, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने पहले से लिख रखा है, तो मैं इसमें कुछ भी प्ले करता हूँ, ठीक है। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि मैं बिल्डअप प्ले कर रहा हूँ तो आपको पूरा बिल्डअप ही प्ले करना है, आपको यहाँ पर नोटिस हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको मैंने सब चीज़ के डिफरेंस के बारे में बताया है, स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। तो जैसे कि मैं बिल्डअप प्ले कर रहा हूँ तो बिल्डअप को ही काउंट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आधा बिल्डअप काउंट कर लिया और आधा हमने ड्रॉप काउंट कर लिया। तो चलिए हम करते हैं प्ले। सबसे पहले हम बार द्वारा गिनते हैं, ठीक है। तो मैं चार बीट पर एक बार होता है तो हम बार द्वारा गिनेंगे, ठीक है। तो हम प्ले करते हैं बिल्डअप को, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अभी आ गया हमारा ड्रॉप, ठीक है। यह हमारा बिल्डअप हो चुका है, अब देखिए अब ड्रॉप आ गया है, ठीक है। मतलब कि यह हमारे पास आठ बार है, मतलब कि दो फ्रेज है। जैसे कि मैंने आपको बताया था चार बार का एक फ्रेज, ठीक है, और आठ बार का दो फ्रेज, ठीक है। और चार बार में मतलब कितनी बीट आती है, यहाँ पर अभी अपनी कितनी बीट होगी, आठ बार है तो 32 बीट, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब चलिए हम बीट द्वारा गिनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्या बिल्डअप के ही स्टार्ट करें, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. तो 32 बीट है, आप देख सकते हैं 32 बीट 8 बार 2 फ्रेज, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिकल करना कैसे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कंट्रोलर लेना है और आपको क्या करना है, आप क्यू पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। जैसे आप क्यू पॉइंट लगाएंगे और आपको सिर्फ क्या करना है, हर बार आपको क्यू पॉइंट लगा के गिनना है, आपकी जो बीट है उसे काउंट करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है और बार बार जितनी आपको प्रैक्टिस कर सके उतनी इसको प्रैक्टिस कीजिए। और क्या कीजिए, सॉन्ग चलता रहेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, यह चेक करना है कौन सा स्ट्रक्चर कब चेंज हुआ है, कब वर्स आया है, कब आपका ब्रेकडाउन आया है, आपका बिल्डअप आया है, इस टाइप की चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसके द्वारा जो आपकी मिक्सिंग है वह अच्छी हो पाएगी। तो प्लीज़ आप काउंट कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो गाइस इस वीडियो में मैंने बिल्कुल सिंपल चीज़ें कवर की है। यदि आपको ऐसा लगता है या सर ये मुझे पता है, बट तब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझे पता है बाद में आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे एडवांस लेवल की चीज़ें बताने वाला हूँ, थोड़ी हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आपका जो भी कंट्रोलर है उसे फेमिलियर हुई और सॉन्ग सुनते रहिए, मुझे पता है इससे आपको बाद में बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। और यदि आपको ऐसी ही आगे वीडियो देखने हैं, सीरीज कंप्लीट करनी है, तो आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू।